आप सोच भी नहीं सकते थे कि इतना सब कुछ करने वाला है। फिर से कॉल गांव में, चलिए देखते यहाँ पर ये हरकत सिर्फ ढोरिया जाति का साफी कर सकता है। हाँ वही, सबको बाहर रख के खुद गार्ड का काम कर रहा है। गार्ड का काम कर रहा है। ये इस तरह की हरकत लोग ज्यादा से ज्यादा नाक से डरते हैं और नाक को खतरनाक मानते हैं, क्योंकि उसके ऊपर जो फिल्में बनी हैं, आस पड़ोस में जो कहानियां सुनते हैं वो खतरनाक है। लेकिन ये जो सांप है, देखिए नाग यहाँ पर रहता तो भाग जाता था, लेकिन यही एक सांप ऐसा है जो भागता नहीं है, डटा रहता है, खड़ा रहता है और मरता है। लेकिन वहां से देखिए आराम से लोग यहाँ पर डंडा ढूंढ ढूंढ के उसको मार सकते थे, ये जाता नहीं कहाँ पर। नाग ऐसी बिल्कुल हरकत नहीं करता था। मेरा कहने का मतलब है कि नाग से हम ज्यादा डरते हैं, लेकिन नाग भाग जाता था कहीं का। कई लोगों का अनुभव होगा जो हमारे दर्शक है, लेकिन ये जो सांप है इतने सारे लोग हैं लेकिन वहां का वहां बैठा हुआ है, और ये इसकी हिम्मत उसके लिए जानलेवा साबित हो सकती है, क्योंकि मारने वालों को मौका मिल जाता है कि उसको आराम से आसानी से मार सके। बल्कि हमारे अच्छे लोग हैं, सब पड़ोसी हमारे गांव वाले हैं कि उन्होंने नहीं मारने का तय किया, इसलिए हम उसको बचा पा रहे, ये सबसे बड़ी बात है। और निरजरा जी घर में है, काफी लेट होने के बाद वो घर आई, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मैं सीधा वड़गांव से ऑन द वे हूँ मैं, और ये आके मैं इसको रेस्क्यू करूंगा। प्रशांत जी अभी भी बैग में शायद घोनस है। अपने तेवर दिखाना शुरू कर दिया है, अभी वहां तक मैं पहुंचा नहीं, और गुस्सेला मतलब अपना जो है गुस्सा वो प्रकट कर रहा है, करता हुआ दिखाई दे रहा है। और अभी कुछ देर पहले पकड़ा, थोड़ा सा ज्यादा ग्रीन था, प्रशांत जी को अगर नोटिस किया है अपने और अपर दर्शक भी नोटिस करेंगे, अलग अलग सात रंगों में पाया जाता है और इस तरह से बर्ताव करता है और बहुत ही नुकीले दांत, आप सोच नहीं सकते कि, लेकिन ये सांप जो है इसके मुंह में 50 से भी ज्यादा दांत है। दांत दर्शकों की जानकारी के लिए बताऊं कि सांप के दांत कितने होते हैं लोग पूछते हैं, और कभी कभी ये भी लोग पूछते हैं कि दांत निकाले हैं क्या, अभी बिल विषैले के दांत कैसे निकालेंगे। लेकिन विषैले सांप के वो सफेद वाले दांत निकालते हैं, वो विष के निकलते हैं, लेकिन विषैले दांत छोड़ के भी सांपों को दांत रहते हैं, ये हमें पता होना जरूरी है। और ये बहुत छोटे, देखिए कितना मुंह है, तो इसने मुंह में 50 से ज्यादा दांत है, तो आप सोच सकते हैं कितने छोटे हो सकते हैं, इसलिए कभी कभी दिखाई नहीं देते। और जब सांप काटता है तो ऐसे ही उसके 4-5 दांत टूट जाते हैं, कभी उसने जोर से काटा तो, मतलब इतने छोटे होते हैं। और सांप के मुंह में 10 से 200 तक दांत होते हैं, ये भी आपको पता होना जरूरी है, एक सांप की खासियत है, और उसीलिए अपने शिकार को पकड़ के रखते हैं। अभी एक गुस्से करके मैं थैली का इस्तेमाल करूंगा यहाँ पर रास्ते, लेकिन इसके स्वभाव के ऊपर भी हम ये करेंगे स्टंट नहीं, लेकिन इसका गुस्सेला है मैं पहले ही बता रहा हूँ, जो इसका इसने ये दिखाया है, और ये देखिए किस तरह से, ये देखिए ये होता है ढोरिया, इस तरह की हरकत करता हुआ। हर सांप अपनी जीभ बाहर निकालता है, और सब इसलिए सभी सांप जो है जीभ आंखें खुली, नतुने बहुत छोटे, उसी तरह का मुंह रचना, पाँव नहीं है, ये सब जो दिखता है, तो सांप में रंगों में थोड़ा ज़्यादा फर्क नहीं होता है, इसलिए सांप एक जैसे दिखाई देते हैं। लेकिन दुनिया भर में 3000 जाति और 13 वर्गीकरण में साइंटिस्ट ने उनको बांटा हुआ है, और बहुत ही सुंदर सांप, बड़ा भी है और थोड़ा सा बड़ा भी है। तो ये देखिए किस तरह से बर्ताव करता है, कहाँ तक ये हो जाता है, और बहुत ही ये जो है ना लचीला होता है, और हाथ में से कितना बार बार छूटने की कोशिश करता है, और यही इसकी ताकत भी है। और देखिए बार बार छूटता है, इसकी पूंछ कट हो सकती है, बहुत ही गंदा स्मेल छोड़ता है, और देखिए इसलिए उसको पकड़ने के बाद सांप पकड़ने वाला एक्सपर्ट बन जाता है, ऐसा मैं हमेशा कहता हूँ। ये देखिए आप सोच भी नहीं सकते थे कि इतना सब कुछ करने वाला है, ये कभी भी इस तरह का बहुत शांत दिखा पहले, ऐसा ऐसी हरकतें करता रहता है, और इंसान भी फिर हरकत में आ जाता है, खासकर नए सर्प मित्र है तो उनको बेचारों को समझ में नहीं आता कहाँ से पकड़े और कहाँ से छोड़े इसको, घूमने लगता है ना ऐसे। ये देखिए किस तरह से हरकतें करता रहता है, और इसकी पूंछ भी कट हो सकती है, ये भी ख्याल रखना पड़ता है, और दोनों हाथों का इस्तेमाल है तो ठीक है, नहीं तो ये हाथ से छूट सकता है, और
इस तरह कैसे घूम रहा है देखो, ये देखिए देखो देखो, कुछ साहब तो ऐसा ऐसे उल्टी पड़ जाते हैं, मरने की एक्टिंग कर लेते हैं। ये तो हमारे इधर तो ऐसे कुछ नहीं है, लेकिन काटता बहुत जोर से है और थोड़ा सा इसका जो दांत है काटने के बाद दर्द होने लगता है। तो इसके साथ मुझे भी कैमरा घुमाना, तो सब लोग भी हैरान होते कि कहाँ दर्द शुरू हुआ है, कहीं विषैला है क्या। और ये बहुत आदत में मिलता है, मेंढक इसका पसंद का खाना है। इसकी खासियत और भी एक है कि ये दिन रात सक्रिय है, मतलब रात में भी घूमता है और दिन में भी दिखाई देता है। मुझे लगभग ये सांप दोनों टाइम में ज्यादा मिले, शाम के वक्त वैसे तो ज्यादा रहना चाहिए। और एक बात है जो हम छुपाना नहीं चाहेंगे, ये लगभग 70 से 80 तक, मतलब हमारे यहाँ ये इसमें 70 अंडे डाले हैं, मतलब अंडे ये ज्यादा डालता है। लेकिन बिन विषैला होने के कारण इससे डरने की जरूरत नहीं है, ये मेंढक कम कर सकता है। और मेंढक वगैरह ज्यादा है, अगर विषैला सा आस पड़ोस में है तो उसको इसके कारण दूर रखा जा सकता है। तो ये थैली को भी काटता है और दो लाइनिंग इसकी मुख आंखों से जो आती है, इससे अब इसको पहचानने की कोशिश कर सकते हैं। अब करेंगे इसको पहचानेंगे, बार बार हम इस सांप को पकड़ते हैं दिखाते हैं, तो वही बात हम डालना चाहते हैं। वीडियो देखने का मतलब ये होना चाहिए कि आस पड़ोस के सांपों को पहचाने जाने परखे, वो दोस्त है दुश्मन है वो अब तय करे, उनको मारना बंद हो पर्यावरण के साथ, इंसान भी जो, क्योंकि सांप काटने से जो मर रहे हैं उनको बचाने के लिए अज्ञान अंधविश्वास गलत फहमी नष्ट होना बहुत ही जरूरी है। यहाँ पर रुकते प्रशांत जी साथ में रहे, इन सभी लोगों का शुक्रिया, क्योंकि काफी देर उन्होंने इंतजार किया मैं आने तक, और सांप का भी इतना सुंदर सांप अब हम दिखा पाए और उसकी जानकारी आप तक पहुंचा पाए। इसी तरह की जानकारी लोगों तक पहुंचने के लिए, डर दूर करने के लिए आप अपने लोगों में ये वीडियो फैलाएगा। उम्मीद है ये वीडियो पसंद आए, लाइक कीजिएगा, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा। सांपों को बचाने का और डर दूर करने का सफर जारी है, फिलहाल रुकते बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।